हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मीनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो कि आपके पाव बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी बने, तो आप जानेंगे बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी। और ये बनाने में जितने सिंपल है, खाने में उतने ही टेस्टी है। अगर आपने मुंबई के पाव टेस्ट किए हैं, तो आप जान जाओगे कि वहाँ के पाव क्यों इतने फेमस है। और साथ ही अगर आप बिना यीस्ट के पाव बनाना चाहते हैं, तो उसका ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है, 3/4 कप जितना। आप चाहो तो मिल्क यूज़ कर सकते हो। ये पीसी हुई शक्कर है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर यीस्ट लिया है 2 टीस्पून जितना, 2 छोटी चम्मच। यहाँ पर मैं एक ही बता रही हूँ, पर इसको मैं 2 बार इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अगर आप यीस्ट स्किप करना चाहते हो, तो 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, उसको हम सीधे आटे में डालेंगे। तो ये जो प्रूफिंग का प्रोसेस है, वो उसमें नहीं होगा। तो प्रूफिंग के लिए हम ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम अच्छे से, पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। उसको बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, और अगर थोड़े बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको वैसे भी हम ढक के रखने वाले हैं। ये देखिए, तो इसको हम लोग 10 मिनट के लिए लगभग ढक के रख लेंगे प्रूफिंग के लिए। ये पूरा फूल के डबल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने मैदा लिया है 2 कप्स जितना, और इसमें नमक डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून जितना, और ऑयल होगा 1 टेबल स्पून। और इसको एकदम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ताकि ऑयल पूरा अच्छे से मॉइस्ट कर ले आटे को। और अब हम इसमें जो प्रूफिंग तैयार किया है हमने, ये मिक्सचर इसमें डालेंगे। और अगर आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल रहे हो, तो ये इस समय डालना है हमें, वो ड्राई ही रहना चाहिए। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसकी जो डो की जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही गीली रहती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी या दूध आप और भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, उसको आटे की तरह नहीं गूंदेंगे, उसको जस्ट मिक्स करना है हल्के हाथों से। ये देखिए, बहुत ही गीला हो चुका है। यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। अब आप प्लेटफॉर्म पे एक थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए ग्रीसिंग के लिए, और ये आटा हम उस पर रखेंगे। मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो चुके हैं, बट ये होंगे ही, उतना ही हमको गीला रखना है आटा। सो, यहाँ पर जो इसको आटे को बांधने का जो मेथड है, वो हम लोग स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है। ये लगभग 5 से 7 मिनट तक हमको करते रहना है। और बीच बीच में जैसे ये गीला हो जाता है काफ़ी, तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, एकदम चिपक भी जाता है ये, तो इस समय हम लोग थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये लगभग 5 से 7 मिनट बाद देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हो गया है हमारा। तो अब हम इसको भी डबल होने के लिए रखेंगे। तो ये बोल में मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी, और उसको एकदम अच्छे से ग्रीस करके इस पर, या तो फिर कोई कपड़ा आप रख सकते हो, ड्राई कपड़ा, या फिर क्लिंग रैप आप उसको करके अच्छे से डार्क जगह पे रख लीजिए, या कॉर्नर पे जहाँ पर थोड़ा सा हीट रहे। तो लगभग 1.5 आवर, 1.5 घंटे के लिए इसको हमको रखना पड़ेगा। सो, ये देखिए, आफ्टर 1.5 आवर आप देख सकते हो, ये लगभग डबल हो चुका है। ये पूरा उसने बोल है, बड़ा बर्तन ही आप यूज़ कीजिएगा, तो ये पूरा उसने कवर कर लिया। अब हम इसको पंच करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी हवा भरी हुई है। ये देखिए, आप चाहो तो उसी बर्तन में पंच करके उसको अच्छे से फिर से थोड़ा सा स्ट्रेच एंड फोल्ड कीजिए, बट इसको मैं प्लेटफॉर्म पे लूँगी। और यहाँ पर मैंने ग्रीस किया, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इट्स ऑप्शनल। और सेम स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला मेथड आप इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। तो ये आटा फिर से तैयार हो गया है। इसको एकदम अच्छे से हमने फिर से डो बना दिया है स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से। तो यहाँ पर हमने एक ट्रे लिया जिसको ग्रीस किया हुआ है, और आटे के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। आप चाहो तो इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। और इसको देखो, मैं ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसके डो को पूरा बना रही हूँ, बॉल्स बना रही हूँ डो की। तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो कट हो गया है, बट आप उसको देख सकते हो एकदम अच्छे से। और इसको हम ट्रे में डाल देंगे। एक और मैं बताती हूँ, इसको देखिए एकदम अच्छे से ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ फोल्ड करना है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसमें कुछ भी दरार ना हो, ऊपर की तरफ एकदम सॉफ्ट बने और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आए उस पर। तो इसी तरह से हम सारे
बॉल्स एकदम अच्छे से सॉफ्ट एंड राउंड बनाएंगे और इसको थोड़ा दूर ही रखना है क्योंकि ये फूलेंगे उसके बाद। और यहाँ पर मैं मिल्क से पॉलिश करूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी, नाइजेला सीड्स जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी, ये ऑप्शनल है वैसे तो। और इसको भी हम ढक के रखेंगे, आप इसको डबल होने तक ढक के रखिए या फिर 1 घंटे के लगभग, और 30 मिनट्स पहले मतलब आधा घंटा हो जाए उसके बाद आप ओवन को सेट कर लीजिए। 220 डिग्री पे रखना है हमको 30 मिनट्स के लिए और बेकिंग मोड पे रखना है। और ये देखिए हमारे पाव एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अगर आप पैन में बना रहे हो तो आप उसको भी प्री हीट कर लीजिए नीचे नमक डालकर। यहाँ पर हम ओवन को 220 डिग्री पर रखेंगे 12 से 15 मिनट के लिए, और अगर पैन में बना रहे हो तो मीडियम फ्लेम पे रखना है। आप इसको चेक करते रहिए बीच में, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर और रखना है। और इसको तब तक देखिए कि ऊपर जब तक उसका कलर थोड़ा सा हल्का डार्क नहीं हो जाता है, ब्राउन कलर। और इसको ग्रीस कीजिए ऑयल से, जब ये गर्म ही है तभी कीजिएगा, इस तरह से एकदम हल्के हाथों से कीजिए। और इसको कवर करके रखिए ड्राई कपड़े से, 10 से 15 मिनट के लिए रखना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। आप उसके बाद देख सकते हो कि ये बहुत ही सॉफ्टी बना है, ये देखिए। अब हम इसको बेकिंग मोल्ड में से निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने यीस्ट यूज़ किया है उसे बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफी बने हैं। बट अगर आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे ये रिजल्ट तो नहीं आएगा। बट हाँ, अगर अभी जैसे घर पे ही बना रहे हो और ये अवेलेबल नहीं है यीस्ट, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, पाव तो ज़रूर बनेंगे। तो आप इधर आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितने स्पॉन्जी और कितने फ्लफी बने हैं, उसकी जो जाली है वो कितने अच्छे से आई है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।